हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक बॉन्साई बनाएंगे, पीपल का पौधे का बॉन्साई। बॉन्साई यानी एक नॉर्मल सा पौधे को, नॉर्मल सा पेड़ को हम मिनिएचर में या ड्वार्फ कंडीशन में उगाएंगे। इसको हम कहते हैं बॉन्साई। ये एक जैपनीज तरीका है, जैपनीज टेक्नोलॉजी है। तो हमने एक, जैसे मैंने कहा, 2 साल पुराना पीपल का पौधे को चुना है। एक हार्डी प्लांट है, जल्दी मरता नहीं है, जल्दी इसमें कुछ नेगेटिव असर नहीं होता है, नहीं दिखता है। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा पौधा साबित होगा और सक्सेस रेट इसमें 100% होगा। ये एक 3000 साल जीने वाला पौधा है, तो आप मरते दम तक आप इसका देखभाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ये मत समझिएगा कि एक आखिरी वीडियो है, ये शुरुआत है। इसके बाद हम शायद 4-5-6 वर्शंस भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये देखिए कुछ बॉन्साई के पौधों की तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, बॉन्साई बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पौधा चाहिए, उसके बाद कुछ टूल्स चाहिए। देखिए, हमने कोई टूल्स लाए हैं, इनके नाम और इस्तेमाल करने का तरीका अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। उसके बाद हमें चाहिए एक फंगीसाइड। दोस्तों, हमें भी इस पौधे को इस मनचाह रूप देने के लिए काटना होगा और उसके बाद कुछ हम इसमें वायरिंग करेंगे। ये देखिए, ये अपराइट पौधा नहीं है, इसको हम इनफॉर्मल अपराइट पौधा बनाएंगे। बॉन्साई में अलग अलग तरीके हैं, जैसा आप शेप देंगे उसको एक नाम दिया जाता है। देखिए, अभी हम ऐसे काट रहे हैं इसमें और इसको कुछ शेप देने का कोशिश करेंगे। ये इनमें भी 2 ब्रांचेस है, ये फॉर्मल तो नहीं हो सकता है, फॉर्मल अपराइट हो सकता है। ये सीधे सीधे ऊपर जाने वाला पौधा उसको फॉर्मल कहते हैं, ये इनफॉर्मल होगा। इसमें हम कुछ ब्रांचेस पाएंगे। सबसे पहले हमें इस पौधे को निकाल देंगे इस गमले से, उसके बाद कुछ इनकी रूट्स देखते हैं। थोड़ी सी सावधानी से हमें इस पौधे को निकालना होगा, क्योंकि ये पौधा अभी लगभग 3 महीनों से इस गमले में है। तो पीपल का पौधा, यानी आप शायद जानते होंगे, ये कहीं भी बहुत जल्दी जल्दी उगता है, बिल्डिंगों के ऊपर, घरों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर उग जाता है। इसको कोई ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, इसको कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र या खाद की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो हमने कोई भुरभुरा मिट्टी खास ऐसे कुछ डाली नहीं है, कोई बड़ा कुछ हमने किया नहीं है इसमें। ये जो नर्सरी से हमने मिट्टी लाई थी, उसी मिट्टी में हमने इस पौधे को उगाया था। ये देखिए, अभी पौधा हमने ऐसे इस तरह से बाहर निकाल दिया है। इनमें कोई बहुत बड़े बड़े जड़ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे ये जो ट्रांसप्लांटेशन में काफ़ी बार, 2-3 बार इसको हमें रिपोर्टिंग करना पड़ा। तो अब जा कर के हम इस जगह पे हम बस गए हैं। तो अभी कोई रिपोर्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन का मसला नहीं होगा। दोस्तों, ये देखिए, इसमें मदर रूट है। मदर रूट को हमें सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि हमें इस मदर रूट से, मदर रूट का कोई काम नहीं है। हमें चाहिए इनके साइड रूट्स, जो पौधे के किनारे से जो निकलते हैं, जो रूट स्टॉक है उसके साइड में से जो निकलते हैं, उन जड़ों के ऊपर हमें काम करना है। क्योंकि मदर रूट को अगर हम जिंदा रखते हैं या छोड़ देते हैं, वो सीधा नीचे जाने का कोशिश करेगा। हमें नीचे वाला वो रूट नहीं चाहिए। तो ये भी एक अलग तरीका है, क्योंकि ये जो बॉन्साई का जो पॉट होता है वो शैलो होता है,
अभी हम बॉन्साई के शैलो पॉट में इसको रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहला तरीका है। इसमें हम कोई नया मिट्टी भी नहीं डालेंगे, मिट्टी तो बुरबुरा दिख ही रही है, और हम कुछ इसको अलग पॉट भी लाए नहीं है, और इसी पॉट में इसको हम रिपोर्टिंग करेंगे। दोस्तों ये देखिए, हमने कोकोनट शेल लाया है, क्योंकि इसके ऊपर हम इस पौधे को प्लेस करने वाले हैं, और जो भी रूट्स निकलते हैं, जो भी जड़ें निकलती हैं, इसके बाहर से वो नीचे जाएंगी। तो हमें इन जड़ों का बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि बॉन्साई सिर्फ ड्वार्फ या मिनिएचर पौधा नहीं है, ये इनमें रूट्स भी हमें चाहिए। ये रूट्स भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये देखिए, हमने अभी ये मदर रूट काट दिया, स्टेम भी काट दिया है। इसमें थोड़ा सा हम साफ फंगिसाइड ले लेते हैं। हम आपने हमारे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, हम सिर्फ साफ फंगिसाइड यूज़ करते हैं। ये एक सिंथेटिक केमिकल बेस्ड फंगिसाइड है, लेकिन बहुत ही असरदार सक्सेसफुल फंगिसाइड है। ऐसे हमें अभी इस पौधे को इस कोकोनट शेल के ऊपर रख करके मिट्टी के साथ उगाना पड़ेगा। ये मिट्टी जो हमने निकाली थी इस गमले में से, यही मिट्टी हम डाल रहे हैं, और थोड़ी सी भी मिट्टी शायद हमें लगेगी, क्योंकि पौधा सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है। सो थोड़ा सा मिट्टी मिला लेते हैं और इसको पूरा खड़े कर देते हैं। दोस्तों ये बॉन्साई बनाने का जो प्रोसेस है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। जिनके पास पेशेंस है उन्हीं लोग इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस कारण लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जिनके पास बर्दाश्त करने की ताकत है वो ही कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा मन को शांति देने वाला, खुशी देने वाला एक गार्डनिंग प्रोसेस है। दोस्तों अभी इसमें अभी हमें वायरिंग करना है, इस पौधे के ऊपर वायरिंग करना है। वायरिंग आने, ये देखिए एक एल्यूमिनियम का तार हमने लिया है, कोई नया तार हमने कुछ मंगाया नहीं, कोई पैसे खर्च नहीं किए हैं। जो हमें मिला या सड़क पे मिला या जो भी तार हमारे पास था, उस तार को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ऐसे अभी इस स्टेम को कस के हमें बांधना है इस तार को पहले, उसके बाद जैसे मन चाहा बेंड आप इस ब्रांच को दे सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, एक ब्रांच को हमने बांध दिया है, और अभी हम दूसरे ब्रांच को भी बांधेंगे। ये देखिए दोस्तों, पौधा हिल रहा है, क्योंकि इसमें अभी जड़ें नहीं हैं और मिट्टी भी कम है, और हमने इसको कोकोनट शेल के ऊपर रखा है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसके बाद हम इसको कुछ छोटी सी लकड़ियां दे करके सपोर्ट भी दे देंगे। तो ऐसे हमने बांधना है इस तार के साथ। अगर आपने वायरिंग नहीं भी किया तब भी ठीक है, नेचुरल वे से भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, हमने वायरिंग के साथ इसको बेंड कर दिया है। तो अभी हम इसे पानी दे देंगे और इसको छाया में रख देंगे कम से कम 7 दिनों तक। ये पौधा मरने वाला नहीं है, क्योंकि ये पीपल का पौधा है, पीपल का पेड़ बनेगा इसमें। जैसे मैंने पहले कहा, ये 3000 साल तक जी सकता है। सबसे पुराना पौधा इस धरती पर अगर है, 2250 सालों वाला श्रीलंका में है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों ये देखिए, 1 महीने के बाद का रिजल्ट। जैसे हमने इन ब्रांचेस को तार के साथ बांध करके बेंड करके रखा है, वैसे वो ग्रो कर रहे हैं, वैसे ही वो हार्ड होते जा रहे हैं। अभी ये देखिए, कुछ जड़ें भी हमें दिख रही हैं, और पौधा अभी मजबूत हो गया है।
मजबूती से खड़ा है। अभी हम इन जो लकड़ियों को भी निकाल दे, सपोर्टिंग लकड़ियां हमने दी थी उनको भी हम निकाल देते हैं, और हमें इन तारों को भी निकालना है। तारों को हम जिंदगी भर नहीं रख सकते हैं। ये मैंने तरीका बताने के लिए, प्रोसेस बताने के लिए वायरिंग किया था, नहीं तो हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम इस पौधे को नेचुरली ग्रो करना चाहते हैं। हाँ, हम हमारे मुताबिक जैसे हमें चाहिए मनचाहा शेप देने के लिए हम इनके ब्रांचेस को काट सकते हैं, और जहाँ जहाँ से चाहिए वहाँ से हम इनका साइड शूट्स ले सकते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा पीपल प्लांट का, बॉन्साई का पार्ट वन। इसके बाद हम पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर फाइव भी कर सकते हैं और करेंगे। इसको अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है अगले 6 से 8 महीनों तक। शायद हम मॉनसून के बाद इसको छेड़ेंगे। ये देखिए, इनमें कुछ जड़ें भी दिख रही हैं। इनके इन जड़ों को हमें ढकना होगा मिट्टी के साथ। तो हमारे पास और कहीं पौधे हैं, जैसे कि बरगद का एक पौधा तैयार है बॉन्साई के लिए, दूसरा हमारे पास जामुन का है। कई पौधे हम उगाने वाले हैं बीज के साथ। तो मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सदा सुरक्षित रहिए। गुड बाय।